हम लोग जो है ज्यामिति आकृति का शेप को समझे, अब हम लोग प्रार्थना शुरू करेंगे। जीवन सुंदर बनाने के लिए ही आए हैं और आज अगस्त माह का पांचवा सुरक्षित शनिवार है, जिसमें विषय जो आज है आपका इस प्रार्थना पर 100% लागू हो रहा है। विषय है आज व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब सभी बच्चों को अपने कपड़ा की सफाई, अपने शरीर की सफाई पर ध्यान देना है, फिर है घर और परिवेश की सफाई, विद्यालय हुआ विद्यालय के साथ साथ घर पर भी क्या ना चाहिए, साफ सुथरा खाना खाते हैं, हाथ धोकर खाइए, साफ हाथ में अगर मेरा हाथ साफ रहता है तो हम जो भोजन करते हैं उसमें क्या होगा, जीवाणु नहीं जाएगा। तो मैं हाथ धोने के लिए जो टिप्स है जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे करना है। पहले हाथ में साबुन लेंगे, दोनों हाथ को आपस में रगड़ेंगे। साबुन लेने के बाद चलिए पानी से भिगा के दोनों हाथ को रगड़िए, पूरा फिनाइए। उसके बाद जो है उंगली के आधार को है ना, पीछे की ओर रगड़ेंगे, पीछे ऐसे रगड़िए, फिर से आपस में हथेली को रगड़ेंगे, नाखून को आपस में रगड़ेंगे। यही कहा गया है कि साफ हाथ में दम है, हाथ को भी धोलेंगे, साफ पानी से हाथ को धोना है। अगर हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता और साथ साथ अपने हम परिवेश को साफ सुथरा रखते हैं और बचपन से अगर हमें आदत को डालते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं, तो मेरा तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और हम बढ़िया पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। तो आज जो है हाथ धुलाई क्रियाकलाप के साथ हम लोग समाप्त करते हैं।